तो है नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स व्लॉग्स पे। तो गाइस जो आज की वीडियो है उसमें बताने वाला हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉनवेज वगैरह देते तो है डॉग को, बट अच्छे से नहीं देते। कोई कोई जो है उसको कच्चा मीट दे देते, उसके कारण डॉग के गले में प्रॉब्लम आ जाती है, फंस जाता है, कभी कभार पेट में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो वॉमिटिंग वगैरह करते। तो सही बॉयल करके कैसे दिया जाए, आज की रेसिपी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें नॉर्मली जो घर के लिए आप बॉयल करते हो उसी तरह से मैं आपको करके बताने वाला हूँ, और जो मेरे डॉग को जो है नॉर्मल रोटी के साथ देने वाला हूँ, और आप देखोगे कि वो अच्छे से खा भी लेता है, और उसको जो डाइट आप बोल सकते हो वो आप डाइट में भी ये प्लान डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन विटामिन होता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस किस से जो है न्यूट्रिशन विटामिन मिलता है। तो गाइस शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। जिन लोगों ने अभी तक नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लेके आया, मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 kg में लेके आया था। अगर आप चाहे तो इसको आप जैसे कि 500 या फिर वैसे भी लेके आ सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी डॉग के हिसाब से। उसके बाद में जो है यहाँ पे एग भी लेके आया 5-6, जो कि मैं एक एक दिन के गैप में डॉग को देने वाला हूँ, जिसके कारण उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे और प्रॉपरली उसका डाइट अच्छे से फॉलो हो सके। तो हम इसे अभी साइड में रख देते हैं। जो एग को है और जो चिकन है उसको निकाल के मैं आपको देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप चाहते हो तो उसको आप जो है बोन्स वाले जो साइज़ होता है वो हिस्सा वो आपको मांगने का। इससे क्या होता है, डॉग अगर खाता है तो उसको काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ज़्यादा चर्बी वाला होगा तो डॉग कभी कभार नहीं खाता, नाटक करता है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। तो आप चाहे तो लेग पीस भी ला सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है। तो लेग पीस आप इस तरह से ला सकते हैं, ज़्यादा मोटा नहीं रखना, आपको मीडियम साइज़ का रखना है, जिसके कारण अगर आपकी डॉग की एज 9 मंथ या 11 मंथ या फिर 1 या 2 ईयर का हो तो अच्छे से खा सके। और थोड़े बहुत आपको इसमें चर्बी के टुकड़े भी डालना है, जिसके कारण उसको अच्छा खासा थोड़ा स्वाद आ सके। तो हम इसको अच्छे से पहले साफ़ कर लेते हैं। तो गाइस इसको आप अच्छे से पानी से साफ़ कर लेना, ताकि जो भी गंदगी वो निकल जाए और आपका जो चिकन है वो अच्छे से फ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे हमने साफ़ कर दिया, इसको अभी अलग बाउल में निकल के रख देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी डालते हैं। तो हल्दी आपको इसलिए डालना है ताकि इसके अंदर स्वाद भी बना रहे और आपके डॉग की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है हल्दी। तो हल्दी आप इसमें डाल सकते हैं, हल्दी हमेशा अच्छा और अच्छा ही काम करती है, जो कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिसके कारण ये हल्दी पूरी तरह चिकन में लग जाए, अच्छे से फैल जाए। और ये हल्दी में क्या होता है, जो इसका जो पानी अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, वो भी काफ़ी न्यूट्रिशन वाला बन जाता है, जिसके कारण आपके डॉग के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसको मिक्स करने के बाद जो है आप एक काम भी कर सकते हैं, इसको 10-15 मिनट रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा आपको थोड़ा स्वाद अनुसार थोड़ा सा आपको इसके अंदर नमक डालना है। ज़्यादा नमक आप मत ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत डालना है, ज़्यादा मत डालना। आपको स्वाद आए उस हिसाब से आपको इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि एक जगह पे वो नमक ना चिपक जाए, नहीं तो खारा खारा लग जाएगा आपके डॉग को, तो टेस्ट नहीं आएगा इसके कारण। तो हम अभी गैस ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे आप किस में कुकर में भी लगा रख सकते हैं, या फिर इस तरह से एक बर्तन भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है थोड़ी देर गर्म होने के बाद थोड़ा सा तेल आपको इसको ऐड कर देना है। आपको आपके हिसाब से जितना आप लाते, जैसे कि 1 kg, 250 ग्राम, 500, जैसा जिस हिसाब से आप लाते उस हिसाब से इसको आपको थोड़ा बहुत इसमें तेल ऐड कर लेना है। इसको थोड़ी देर गर्म होने देना है ताकि अच्छे से स्वाद आए। इसमें आप फिर जीरा वगैरह डाल सकते हैं, 1 चम्मच डालना है आपको जीरा, जिसके कारण आपके डॉग का जो फिर बॉयल हो जाए उसके अच्छा स्वाद आए। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत जो है प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा बहुत डालना है, ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना अगर आप डालना चाहते हो तो। और जीरा अगर आपको थोड़ा बहुत डालना है तो वो भी आप इसमें जो है डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से आपको जो मिक्स कर लेना है, ताकि ये अच्छे से पक जाए एकदम थोड़ा बहुत लाल जैसा होने के बाद इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो बॉयल्ड चिकन है वो आपको इसके अंदर मिक्स कर देना है। तो इसको एक साथ मत डाल देना, ध्यान रखना, ये कभी कभार आँखों के ऊपर उड़ जाता है। तो आपको धीरे धीरे डालना है इसके अंदर, और इसको थोड़ा बहुत हिलाते रहना है, नहीं तो चिपक जाता है। तो आप चाहे तो कुकर के अंदर भी कर सकते हैं, कुकर के अंदर भी काफ़ी अच्छा होता है। और चाहे तो अगर कुकर नहीं होता, आप इसमें नॉर्मल जो बर्तन है उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा चिकन जो है इसके अंदर मिक्स कर देता हूँ।
और इसको अच्छे से हिला लेना। देखना आप देख सकते हैं चिपक रहा है थोड़ा बहुत, वो तेल के कारण होता है बट थोड़ी देर के बाद नहीं होगा। इसके अंदर मैंने थोड़ी हींग डाली जो कि डाइजेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप चाहे तो डाल सकते हींग, अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं डाल सकते, बट आप डालो तो अच्छा रहेगा, हींग काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। थोड़ी आप चाहे तो आधी चम्मच जितना डाल सकते हैं, इसको मिक्स करना है थोड़ी देर के लिए। फिर आप देख सकते हैं ये 10 मिनट के बाद किस तरह से हो गया पूरा एकदम अच्छा, ये लग रहा है आपको थोड़ा बहुत गर्म हो गया वो। और ये जो बर्तन बचा था उसके अंदर जो हल्दी थी उसके अंदर हमको पानी ऐड कर देना है, और पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर जो है डाल देना है। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी आप मिक्स मत करिएगा नहीं तो स्वाद चला जाएगा। थोड़ा बहुत आपको इसको ऐड करना है, और आप जैसा चिकन होगा उस हिसाब से आपको इसको ऐड करना है, और इस तरह से आपको इसको छोड़ देना है जब तक ये पूरा पक ना जाए। और ये पूरी तरह से जब पक जाता है तब फिर आपको इसको गैस बंद कर देना है। तो गाइस ये पूरी तरह से पक गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो पानी है ये हम रोटी के साथ, रोटी क्रश कर दी मैंने और उसके अंदर जो है ये पीसेस में डाल रहा हूँ। और ये रोटी क्रश करने का ये फ़ायदा होता है कि डॉग अच्छे से खा लेता है और वो चबाने में उसको कोई दिक्कत नहीं आती। और जो पीसेस है उसको आप जो है ऐसे क्रश करके डाल दीजिएगा, यानी वो पूरा खाना खाएगा। और ये एक ही टाइम में, ऐसा नहीं कि आपको एक ही टाइम में देना है, आप थोड़ा बहुत इसको दे के अंदर जो पानी हो बचा कुछ आप फ्रिज में रख सकते हो। फिर शाम को अगर आपको देना है तो शाम को आपको क्या करना है कि उस पानी को गर्म करके फिर डॉग को देना है, नहीं तो क्या होगा वो फ्रिज में रखोगे तो जम जाएगा। ज़्यादा आपको ठंडक नहीं रखना है, और थोड़ा बहुत गर्म करके आप शाम को भी उसे दे सकते हो, तो दो टाइम का खाना उसका हो जाएगा और अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। इसके अंदर आप नॉर्मल आपका घर का पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत पतला करना है तो। तो आप देख सकते हैं डॉग अच्छे से खा लेता है, इसको डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाएगा ये, और न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा है इसके पानी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन आता है जो कि आपके डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से खा लेता है, अगर बोन्स वगैरह है तो वो अच्छे से चबा भी लेता है, अगर बड़े बड़े टुकड़े रखोगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी उसको खाने में। तो गाइस इसने पूरा फिनिश कर दिया, और यहाँ पे अभी मस्त फ्रेश पानी इसको प्रोवाइड किया गया है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।